आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी सी और चटपटी स्वादिष्ट बनने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस पे रख दिया पैन और दो कटोरी डाल दिया पानी। अभी हमने इसके अंदर मिला देना है थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। अभी हमने हल्का सा मिला लिया नमक को, तो उसी कटोरी से जिससे पानी लिया एक कटोरी हमने डाल दी सूजी। तो ये रेसिपी हमारी सूजी से बनने वाली है। दो हमने चम्मच के करीब डाल दिया रिफाइंड ऑयल। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे पका लेना हमने, तो बहुत जल्दी से जी सूजी ये जो गाढ़ी हो जाती है और एक डो की तरह बन जाती है जी। ये देखिए ये झट से पक जाती है। सूजी को हमने अच्छे से पका लिया, तो अभी इसको हमने ढक के रख देना ताकि ये और भी फूले और सॉफ्ट हो जाए। तो तब तक हम चलते हैं बाकी तैयारी करते हैं। कढ़ाही ले ली, दो बड़े चम्मच तेल डाल दिया, एक चम्मच जीरा और साथ ही साथ हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा लहसुन की कलियों को हमने कूट लिया। इन्हें अभी हमने पका लेना। अभी हमने इसके अंदर मिला देना टमाटर को, तो मीडियम साइज का एक बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल दिया। इसको भी अभी हमने अच्छे से पका लेना। तो इनको अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है क्योंकि टमाटर थोड़े हार्ड होते हैं। तो ये देखिए टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अभी हमने छोटे साइज़ की बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है जो वो भी डाल दी इसके अंदर। तो ये ऑप्शनल है, अगर ना डालना चाहो तो आप रहने दे सकते हो इसको। हल्का सा शिमला मिर्च को भी पका लिया। अभी इसके अंदर हमने मिला दिया छोटा चम्मच एक मैगी मसाला और एक छोटा चम्मच ही धनिया पाउडर, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला और ये थोड़ा सा नमक। इन सबको अभी मिला लेना अच्छे से। तो बहुत ही चटपटा नाश्ता बनेगा और बर्गर से भी टेस्टी लगेगा, तो देखना आप जब बनेगा। तो ये अभी हमने मिला देने हैं। तीन हमने उबले हुए आलू लिए मीडियम साइज़ के, तो इन्हें हमने मैश कर लिया और मसाले में अभी हमने अच्छे से इन्हें मिक्स करना है, साथ ही साथ मैश करते हुए जाना इस तरह से। तो अच्छे से मैश करके हमने इन्हें मिक्स कर लिया। अभी हमने इसके अंदर मिला दिया हरा वाला धनिया, तो थोड़ी देर होगी काटे हुए इसलिए ये सूख गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसे ठंडा होने देना हमने। और इधर हम चलते हैं, जो हमने सूजी रखी है ना ये हल्की सी गर्म अभी, तो बाकी ठंडी हो चुकी है। तो हम इसे अभी थाली में निकाल रहे हैं। थोड़ा सा तेल ले लिया, थोड़ा सा सूजी पे लगा दिया, थोड़ा सा अपने हाथों पे लगा लेंगे और इसको हमने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से गूंथ लेना है, अच्छे से मसल मसल के इस तरह से, ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से 2.5 से 3 मिनट अच्छे से गूंथ लेना है। हमने इसे काफ़ी सॉफ्ट कर लिया। अभी ये देखिए इस तरह से हमने लोई बना ली बड़ी सी। अभी हमने क्या करना है, इसके बना लेने पेड़े। तो जिस तरह से पूरी बनाते हैं ना उतना पेड़ा ले लीजिए, बहुत ही आसानी से और अच्छा सा पेड़ा बन जाता है। ये देखिए एकदम से बिना दरार वाला, क्योंकि सूजी है जो वो काफ़ी सॉफ्ट है। तो इसी तरह से हमने दूसरा ले लेना। ये देखिए अभी हमने चकला ले लिया और एक ये प्लास्टिक की शीट ले ली, पॉलीथीन कोई भी जो घर में होता है उसको काट के मैंने इस तरह से रख लिया और उसके ऊपर रख दिया पेड़ा। इसके ऊपर फिर से ये रख दिया हमने प्लास्टिक की शीट। और अभी हमने ये एक प्लेट ले ली है जो नीचे से एकदम फ्लैट है, इसको ऊपर रखा तो हाथ से थोड़ा प्रेस किया, तो जितना बड़ा आप करना चाहते हो उसको बना लीजिए। तो ये देखिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए अब इसे निकालते हैं, एक और पेड़ा रखते हैं। तो इसे भी सेम वैसे ही बना लेना है। ये देखिए तो इसी तरह से सारे हमने बना लेने हैं। ये हमने ले लिए टोमेटो सॉस, इस तरह से लगा दी जो हमने स्टफिंग बना के रखी है ना। तो ये अभी ठंडी भी हो चुकी है, तो इस तरह से फैला दें ये हमारी जो पूड़ी है ना सूजी की, इसके ऊपर इस तरह से। अभी दूसरा जो हमने बनाया उसको इसके ऊपर रख दीजिए। अभी हाथों से इस तरह से मिला दीजिए। इस तरह से हमने किनारे और सेंटर से भी अच्छे से मिला लिया।
तो ये अभी तैयार हो गया, तो सारा नाश्ता हमने इसी तरह से बना लेना फ्रेंड्स। ये देखिए, तो टोटल हमने ये 6 पीसेस बना लिए, थोड़े बड़े बड़े, आप इससे छोटा भी बना सकते हो। अभी पैन में डाल दिया हमने तेल, तो इस तरह से एक पैन में दो ही आएंगे। अभी हमने मीडियम टू लो पे इनको सेक लेना है। जब आपको लगे कि ऊपर से हार्ड हो चुके हैं तो इसको पलटी लगा दीजिए, कच्चे को पलटी नहीं लगाएं वरना ये टूट सकते हैं। तो अच्छे से पकने दें पहले, सिकने दें। ये दूसरे को भी हमने इस तरह से पलटी लगा दिया। अभी अच्छे से हमने सेकना इनको ताकि कुरकुरे से हो जाए, तो बहुत ही कुरकुरे बनते हैं जी, बाहर की परत है जो इसकी, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बर्गर से कई गुना ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। तो ये देखिए हमने अच्छे से सेक लिया, अभी दोनों तरफ से इन्हें निकाल दिया और बाकी के दो को हमने डाल दिया इस तरह से। तो सारा नाश्ता हमने इसी तरह से तैयार कर लिया फ्रेंड्स। तो गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, लेकिन एक कमी है, मैं इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला, आपको भी पसंद आएगा, यकीन मानिए, ट्राई ज़रूर करें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।